अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें जो है खबरें जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए भी है, यानी दुबई जिसको कहते हैं, दुबई शारजा और अबू धाबी वगैरह आते हैं उसमें, वो अमीरात में, तो उसके वहाँ पे जो है ना बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई है, क्योंकि नेशनल डे होने वाला है, तो जो लोग भी वहाँ पे रहते हैं दुबई में वो लोग खुश हो जाएं। और उसके बाद से जो है कतर के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन रहेगी, अपडेट रहेगी, और भी सऊदी अरब की जो है कुछ खबरें हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो पूरा न्यूज़ आपको पूरा अपडेट समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों से जो न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा वो दोहा कतर से आ रही है। कतर से ऐसी मतलब एक न्यूज़ आई, आप लोगों को मालूम है वहाँ पर जो है फीफा चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप अभी जो है शुरू होने वाला है 20 तारीख से, तो जिसमें क्या क्या है कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हर कौम के और हर मज़हब के लोग पूरी दुनिया से जाते हैं, और वो जाके और लोग वहाँ पे जो है जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे। इसमें जो है अभी लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी की गई है कि हर तरह के लोग जाते हैं तो हर तरह का खाना पीना भी उनको चाहिए, वहाँ पे हर चीज़ होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे और हर तरह के लिबास भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन कतर जो है ऐसा एक मुबालिक है जहाँ की आबादी जो है करीबन 30 लाख है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट रहता है इन सब चीज़ों में, कि इस्लामिक चीज़ों में वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है शरीयत के ये में। हालांकि मालूम है कि सऊदी अरब एक ऐसा है जो सबसे स्ट्रिक्ट माना जाता है, लेकिन उससे भी आगे कतर भी है। तो सऊदी अरब कुछ आपको मालूम है पूरे गल्फ में जो है ये एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे शराब बैन है, मतलब जो भी नशीली चीज़ें होती हैं या शराब हो गया, एल्कोहल, वो सब चीज़ें बैन है वहाँ। सऊदी अरब में भी बैन है, कतर में भी बैन है, लेकिन सऊदी अरब को छोड़ के बाकी जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे कतर हो, दुबई हो, वहाँ पे बैन नहीं है, वहाँ पे चलता है, वहाँ मिलता है। लेकिन एक कैटेगरी ये किया गया है कि किनको मिलेगा, जो लोग गैर मुस्लिम रहते हैं उनको जो है वो अपना आईडी दिखा के, अपना पासपोर्ट दिखा के, अगर वो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं तो अपना पासपोर्ट दिखा के भी वहाँ पे बियर वगैरह जो भी एल्कोहल वगैरह दारू वगैरह वो ख़रीद के पीते हैं उनके लिए है, उनको ही मिलेगा। और लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप में कि यहाँ पे बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, किसमें कि स्टेडियम जहाँ पे फुटबॉल खेला जाएगा उस स्टेडियम के आसपास के एरिया में या वहाँ पे कभी भी जो है अल्कोहलिक चीज़ें जो है बियर जो हो या दारू हो वो सर्व नहीं किया जाएगा। और एक और चीज़ कतर ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे पूरी दुनिया से तो लोग आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, लेकिन वो लोग जो है मिनी स्कर्ट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पहनी जाएंगी, पूरी तरह से पूरा लिबास पहन के जाएंगी, जो ऊपर से चेहरे तक मतलब ये जो है ढका हो, सर वगैरह मतलब ओपन हो, चलता है, लेकिन बुरका नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे तक, यानी कि हाफ पैंट पहन लिए, हाफ टी शर्ट कैसे भी, ये सब चीज़ें नहीं, तो वो चीज़ें वहाँ पे बैन हो गई है। तो किस कब तक के लिए, जब तक फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, नहीं तो वहाँ पे भी शॉर्ट उतना पे कॉमन नहीं है, लेकिन फीफा में क्या पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं तो कॉमन करना पड़ता था, लोग सोच रहे होंगे कि हम ये पहन सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अलाउड नहीं है कतर में, वो चीज़ें आप नहीं करिए जो लोग भी जा रहे हैं वहाँ देखने के लिए फीफा वर्ल्ड कप। उसके बाद से दूसरा न्यूज़ जो है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, सऊदी अरब में जो है आवारा ऊँट वगैरह, आपको मालूम है रोड पे ऊँट चलते हैं, इससे बहुत ही एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी पिछले दिनों में आपने देखे होंगे एक्सीडेंट हो रहा है, क्योंकि रात में जो है ना रेगिस्तान में जो है ऊँट लोग जो है अरब लोग के पास ऊँट रहता है वो छोड़ देते खुला, जैसे अपने इंडिया में गाय छोड़ देते हैं ना, गाय चलती रहती है, कभी लोग टकरा गए, कितना एक्सीडेंट होता है, चाहे दिन हो रात हो, कभी गाय आके ऊपर लड़ जाती है गाड़ी में, और चाहे कोई भी आवारा जो जंगली पशु रहते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और जानी और माली दोनों नुकसान होता है। ऐसी चीज़ वहाँ पर सऊदी अरब में भी हो रहा है कि ऊँट को खरीद के ना लोग छोड़ देते, ऊँट जिनके रहते हैं जो बहुत 100, 150, 200, 500 ऊँट रखते हैं, वो लोग बाहर छोड़ देते हैं, वो रात भर घूमते फिर अपने पास अपने अड्डे पे आते घूम फिर के, लेकिन क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा जब एक्सीडेंट हुआ है तो उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने, सऊदी ने फाइन लगा दिया। पहली चीज़ उन्होंने क्या बोला है कि जिनके भी ऊँट है ना तो रात में उनको एक तो ऐसा रिफ्लेक्टर टाइप का कुछ कपड़ा टाइप का उनको पहना दें, रिफ्लेक्टर के आपको मालूम है रेडियम वगैरह होता है जो कई लोग कपड़े भी पहनते हैं या रोड पे लगा रहते हैं, तो फ्लैश लाइट जब लाइट उसके ऊपर पड़ता है तो उससे क्या वो जल जाता है, दिखता है कि हाँ सामने कुछ है या कुछ लाइन बनाया गया, तो वैसे चीज़ वो लोग वहाँ पे ज़रूरी करती हैं, जिनके भी ऊँट है वो लोग रिफ्लेक्टर उनके बॉडी पे लगा के रखें, जो रेडियम वगैरह के कपड़े रहते हैं वो उनको पहना के रखें, कि ताकि रात में एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए, लोगों को लाइट से पहले ही दिख जाए कि हाँ सामने कुछ और है। उसके बाद से अगर ये चीज़ें भी हो गई और जिन लोग भी अगर ज़्यादातर खुला छोड़ते हैं उनके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा, कुछ 500 रियाल तक का फ़ाइन है एक ऊँट पर या 300 रियाल का, ऐसा फ़ाइन का प्रावधान किया गया कि जिनके भी ऊँट खुला छूटेंगे, तो आप लोग जो लोग भी बहुत लोग ऊँट चराने और बकरी चराने के काम में वहाँ जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान दिया कीजिएगा, रोड पे मत आप छोड़ दीजिएगा, कफिल को फाइन जाएगा, लेकिन हो सकता है कफिल आपको परेशान करेगी तुमने क्यों छोड़ दिया, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद से दुबई पे आते हैं, चलिए दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या हुआ है कि अमीरात में नेशनल डे शुरू होने वाला है जो 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा, तो 1, 2, 3 यानी 3 दिन की छुट्टी है, और 4 दिसंबर को संडे,
तो लगातार वहाँ पे 4 दिन का नेशनल हॉलीडे हो गया है, 4 दिनों का छुट्टी रहेगा, नेशनल हॉलीडे रहेगा, कोई भी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, हर जगह छुट्टी, कोई काम नहीं करवाएगा। हाँ, अगर उन छुट्टियों में कोई काम करवाता है तो वो ओवर टाइम में ऐड होगा, न कि उसके रेगुलर वर्क में। तो कोई कंपनी में आप काम करते हैं तो ये चीज़ आप में ध्यान में रख लीजिए, दुबई में या शारजा या अबूधाबी वगैरह में, अलियान वगैरह में। तो आपके लिए ये जो है खुशखबरी है कि लगातार 4 दिन या तो छुट्टी करिए या काम पे जाइए तो उसका ओवर टाइम लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया है, वहाँ पर बड़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन होगा नेशनल डे का। इसके बाद से मैं आप लोगों को एक और न्यूज़ जो शेयर करना चाहूँगा, एक जवाजात के रिलेटेड है। अगले जो दोनों न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जवाजात से लोगों ने सवाल पूछा था। एक भाई साहब ने जो है सवाल किया था कि क्या मैं जो है, उसने पहले क्या किया था कि उनका हुआ था कि उनको जाना था छुट्टी, उन्होंने 6 महीने का छुट्टी लगवा लिया, उसके बाद से अचानक उनका मूड चेंज होगा, कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने सोचा कि यार मुझे फाइनल एग्जिट जाना है। तो उन्होंने सवाल किए कि क्या मैं जो है फाइनल एग्जिट जा सकता हूँ जवाजात से, हालांकि मेरा जो है छुट्टी 6 महीने का लग चुका है, पेपर आ चुका है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो इस पे बोला गया कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, आपको क्या करना रहेगा कि आपकी जो छुट्टी है वो छुट्टी आपकी कैंसिल करना अगर है तो कैंसिल करने के लिए आपका जो पैसा है वो पैसा कट जाएगा, पैसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 6 महीने के लिए 600 रियाल लगता है करीबन हर महीने का, आप अगर 2 महीने की छुट्टी जाते हैं 200 रियाल और छुट्टी बढ़ाते हैं तो 100 रियाल लगता है, तो 6 महीने का 600 रियाल लगा होगा, वो रिफंड नहीं मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आप फाइनल एग्जिट लगवा के जा सकते हैं, जो फाइनल एग्जिट का पेमेंट है वो पेमेंट भरिए। ये चीज़ें हैं, जो लोग भी ऐसा कहें हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है अगर सोच रहे हो तो। इसके बाद से एक और अपडेट है, वो क्या है कि वो एक भाई साहब ने छुट्टी किया कि मैं फाइनल, मतलब सवाल किया उन्होंने जवाजात से कि मैंने फाइनल एग्जिट लगवा लिया है और फाइनल एग्जिट लगवा के मेरा 15 दिन एक्स्ट्रा हो गया है, मैं जो है एक्सपायर हो गया फाइनल एग्जिट और मैं अपने देश नहीं गया हूँ, अब मैं क्या फाइनल एग्जिट मेरी दोबारा लग सकती है उसी पैसे पर ताकि मैं चला जाऊँ। उनको जो है बोला गया है कि नहीं, आपका जो है फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं। एक चीज़ कि आपका फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है तो आप नहीं निकल सकते हैं, उसी पैसे पे नहीं लगेगा, आपको उसके लिए दोबारा पैसा देना होगा। नंबर वन क्या बताया गया है कि फाइनल एग्जिट जो एक्सपायर हुआ है आपका, 15 दिन एक्स्ट्रा हो गया जिस डेट से पहले आपको निकलना था, तो वो 15 दिन आपने एक्सपायर कर दिए, तो अभी आपको जो है दोबारा से फाइनल एग्जिट लगाना रहेगा, उसके लिए आपको दोबारा पैसा देना रहेगा। नंबर वन क्या, दोबारा एग्जिट लगाना रहेगा, नंबर टू दोबारा पैसा भी देना रहेगा, और नंबर थ्री आपका इकामा जो है वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया है इन दिनों में तो इकामा भी पहले रिन्यूअल कराइए, तब जाके फाइनल एग्जिट लगेगा। तो एक तो फाइनल एग्जिट का जो है इनको जो फाइन है वो फाइन भी देना पड़ेगा 1000 रियाल, उसके बाद से फाइनल एग्जिट का जो चार्ज है वो भी देना पड़ेगा फाइन, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंड कर दिए फाइनल एग्जिट को और उसके ऊपर से ये गए नहीं 15 दिन, इन्होंने जो है कानून तोड़ा, तो उसका 1000 फाइन प्लस उसके बाद से इनको जो है अगर इकामा वैलिड है तो वेल एंड गुड, अच्छा है, फिर उस पे आप फाइनल एग्जिट लगाइए, जो पेमेंट दीजिए और चले आइए, नहीं तो इकामा भी आपको बनाना पड़ेगा उसके बाद से तब आना पड़ेगा। तो ये जो है काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है जो लोग ऐसा कर देते हैं। लोग क्या सोचते हैं, आज अगर सऊदी अरब में फाइनल एग्जिट लगा तो नियम ये रहता है कि 60 दिन के अंदर आपको निकल जाना है, तो वो लोग सोचते हैं यार फाइनल एग्जिट तो लग ही चुका है, चलो कुछ दिन कमा लेते हैं ऐसे वैसे इधर उधर करके, तो ये कमाते हैं और उसके बाद से और दिन भी जैसे तैसे गुजर जाता है, अब वो महंगा पड़ जाता है कभी कभी। तो ऐसा अगर कोई लोग आप लोग सोच रहे हो करने का तो ना करें, ये पूरी डिटेल्स पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ। चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी कुछ अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।